पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। पानी की टिप टिप। आज की कहानी है पानी की टिप टिप। इसे लिखा है नरेश मेघवाल ने। कहानी को जानने समझने के साथ बातचीत करने के लिए कहानी को ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो देर किस बात की, आइए सुनते हैं कहानी पानी की टिप टिप। टिप टिप टिप, पानी की बूंदों की आवाजें आ रही हैं। लाली को लगा कि हल्की बारिश हो रही है। वह मन ही मन खुश हो रही है कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेगी और बारिश में नाचेगी। बादल भैया से कहेगी कि आप इसी समय रोज बरसो ताकि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़े। इतने में लाली को टिप टिप की आवाजें आना बंद हो गई। लाली की नींद खुल गई। उसे लगा कि ये सपना था। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर धूप है। टिप टिप की आवाज फिर से सुनाई दी। लाली को कुछ समझ नहीं आया। वह कमरे से बाहर गई तो देखा कि ये आवाज नल से टपक रही बूंदों की है। लाली उदास होकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये जो हर घर से नल की टिप टिप की आवाज आती है ना, इसी से तो सारे बादल रूठ गए हैं। मुझे तो बहुत मजा आया। आपको कैसी लगी ये कहानी? पानी की बूंदों की आवाज सुनकर लाली ने क्या सोचा था? वह मन ही मन क्यों खुश हो रही थी? पानी के टपकने की आवाजें कहां से आ रही थी? लाली ने ऐसा क्यों कहा कि हर घर से नल की टिप टिप की आवाज आती है, इसलिए तो सारे बादल रूठ जाते हैं? बारिश होने पर आपको कैसा लगता है? बारिश होने पर आप अपने दोस्तों के साथ क्या क्या करते हैं, एक सूची बनाइए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।